दीपावली 31 तारीख को है या 1 तारीख को, आज भारत जैसे देश में दीपावली जैसा पर्व दो दिन का मनाने जाने लगे, और जबकि इसकी जो मुख्य महत्ता है वह सभी लोग इससे वंचित हैं जानने से। आज मैं आप सभी को बताता हूं कि दीपावली जो होती है मुख्य वह अर्धरात्रि की होती है, और शास्त्रों में 3.5 मुहूर्त स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, जैसे कि 3.5 मुहूर्त में गुड़ी पड़वा, अक्तीज, दशहरा और आदि दिवाली, इसलिए इसको 3.5 मुहूर्त कहते हैं। वैसे तो हर अमावस्या हर कार्य के लिए शुभ नहीं होती, लेकिन दीपावली की ही एक अमावस्या इतनी शुभ होती है क्योंकि उस दिन की जो अमृतता है वह साक्षात इस ब्रह्मांड में बरसती है। माँ लक्ष्मी अपने भान पर विराजमान होती हैं, और मैं आपसे पूछता हूँ, माँ लक्ष्मी जो अपने भान पर विराजमान होती हैं वह रात में ही होती हैं, और इसीलिए हमको हिंदू धर्म के शास्त्रोगत दीपावली रात्रि को ही मनाना चाहिए। तो 31 तारीख को दोपहर से ही आपका अमावस्या प्रारंभ हो रही है, और जो कि 1 तारीख को शाम को 6 बजे तक है, उसके बाद एकम लग जाएगी, इसलिए हमको दीपावली 31 को ही बनाना चाहिए। और 31 तारीख को दीपावली में जो भी आप पूजन करें स्थिर लग्न में करें, लेकिन हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार रात्रि को ही दीपावली का महत्व है, और रात्रि में अर्धरात्रि को ही माँ लक्ष्मी इस ब्रह्मांड में विराजमान होती हैं, और इसलिए हमको रात्रि पूजन ही करना चाहिए। धन्यवाद।